और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह मौत मामले में रिया चक्रवर्ती जो कि उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है रिया चक्रवर्ती के फोन कॉल डिटेल सामने आया है जिसमें उनकी बातचीत डीसीपी बांद्रा से हुई है। 21 जून और 14 जुलाई के बीच चार बार रिया की उनसे बात हुई, मैसेज पर भी बात हुई, फोन कॉल पर भी बात हुई, क्योंकि ये फोन कॉल डिटेल से ही तथ्य सामने आया है। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा है, डीसीपी बांद्रा अभिषेक त्रिमुखे से रिया चक्रवर्ती की चार बार बात हुई 21 जून और 18 जुलाई के बीच, और मैसेज पर भी दोनों का संपर्क हुआ है, ये रिया के कॉल डिटेल से सामने आ रहा है। दरअसल रिया के कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं, किन किन से उनकी बातचीत हुई है, व्हाट्सएप डिटेल्स भी हैं जिसमें उनके अलग अलग लोगों से बातचीत की डिटेल्स भी अब खंगाले जा रहे हैं। मेरे सहयोगी अंजना इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। अंजना, कॉल डिटेल्स में चार बार बातचीत का जिक्र है, वो भी 21 जून से 14 जुलाई के बीच। बिल्कुल नेहा, 21 जून जिस दिन 28 सेकंड की बातचीत हुई है, ये कॉल रिया ने डीसीपी त्रिमुखे को किया था, डीसीपी बांद्रा, वही जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच कर रहे हैं। ये कॉल 28 सेकंड की है। अब आप अगर टाइम कीजिए तो मैं आपको 28 सेकंड में एक कॉन्वर्सेशन आपके साथ करती हूँ कि क्या आप रिया चक्रवर्ती बोल रही हूँ, मैं डीसीपी त्रिमुखे बोल रहा हूँ, मैं आपको जांच के लिए बुला रहा हूँ। क्या आखिर एक ऑफिशियल कैपेसिटी में एक डीसीपी किसी को इंटरोगेशन के लिए बुला रहा है, समन्स भेजता है? अगर आप फोन पर भी बातचीत करके बुला रहे हैं तो औपचारिक रूप से आपकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कितने देर की होगी? अब इसको लेकर कई तरह के स्पेकुलेशन लग सकते हैं कि क्या इसके बाद व्हाट्सएप कॉल की बात हुई कि उससे आई, क्योंकि उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है, क्या कोई दूसरे तरीके से मैसेज कन्वे करने की कोशिश हुई। लेकिन ये 28 सेकेंड 29 सेकेंड को, फिर मैं आपको बताती हूँ, 22 जून को डीसीपी त्रिमुखे ने रिया को एक मैसेज भेजा है। फिर अगला कॉल जो है वो 22 जून को डीसीपी ने रिया को किया है, ये 29 सेकंड का है, 29 सेकंड। अगला जो है वो 1 जुलाई को कॉल है डीसीपी से रिया के लिए, 66 सेकंड का, और 18 जुलाई को फिर रिया कॉल करती है डीसीपी त्रिमुखे को, वो भी 61 सेकंड का कॉल है। अब ये बताता है कि आखिर इस तरह के छोटे कॉल्स का क्या मतलब है। अगर आपने समन्स भेजे थे तो डीसीपी खुद क्या कॉल करके बातचीत कर रहे थे, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से उसको बुला रहे थे? अगर बुला रहे थे तो आप 28 सेकंड्स में सब कुछ कन्वे कर दे रहे हैं। ये थोड़ा सा ऐसा है जो जिस पर कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं कि 28 सेकंड में आखिर एक डीसीपी ऑफिशियल कैपेसिटी में क्या कुछ कन्वे कर दे रहे थे एक ऐसी महिला को जो कि सबसे करीबी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जिसके जरिए मिल सकती है सुशांत सिंह राजपूत की मौत में, क्योंकि उनकी सबसे करीबी, उनकी गर्लफ्रेंड जिनको लेकर इतना बवाल छिड़ा उसके बाद जब पिता ने कंप्लेन की, उसमें आपने सिर्फ 28 सेकंड। किस तारीख को ये कॉल किए गए, कितने अंतराल में कॉल किए, क्योंकि ड्यूरेशन तो आपने बताई है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, उसके बाद पहला कॉल रिया से डीसीपी को जाता है 21 जून को, उसके बाद अगला कॉल 22 जून को है, फिर एक गैप है लगभग 8 दिनों का, और उसके बाद 1 जुलाई को डीसीपी कॉल करते हैं रिया को, और फिर एक गैप है 17 दिन का और 18 जुलाई को। अब सवाल यही है कि ये ध्यान रखना होगा कि आजकल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम व्हाट्सएप भी बन चुका है, जिसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, ना व्हाट्सएप मैसेजेस को ना व्हाट्सएप कॉल्स को। तो क्या 28 सेकंड में ऐसा कुछ कन्वे हो रहा था? ये अभी स्पेकुलेशन है और हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई कंजेक्चर करना भी नहीं चाहते, लेकिन ये 28 सेकंड 29 सेकंड 60 सेकंड 61 सेकंड कुछ सवाल तो पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजना इस तमाम जानकारी के लिए आपका।